कहीं भी जाना होगा ना तो मम्मा मैं स्लीपर पहनूंगा और शूज़ ना रख के ले चलूँगा। इन चेंज किए, ये फ्रिज मैंने अब ऐसे रख दिया, पहले ये ऐसे रखा था। ग्रोसरी का सामान आया है। ओ रुको रुको रुको, ये मुंह का क्या असर करा हुआ है आपने? बिल वाला ध्यान ले आयो। क्यों, और ये कुशन कहाँ लेके गए थे आप सारे? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखे मोहम्मद अरहान खेल रहे थे और अपने शूज़ पैक कर लिए थे कि ना मुझे ना कहीं भी जाना होगा ना तो मम्मा मैं स्लीपर पहनूंगा और शूज़ ना रख के ले चलूँगा। ये ना मेरे बेटे की हरकतें हैं, आप लोग देख रहे हैं ना मोहम्मद अरहान के क्या काम चल रहे हैं, ऐसे कारस्तानियाँ चलती रहती है। और यहाँ पर सिलाई का काम नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि वो मैं कल करूँगी, आज सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आज मैं बिज़ी थी, बहुत बिज़ी थी, थोड़ा सामान लाने में। थोड़ी सीट सेटिंग चेंज की है, ये फ्रिज मैंने अब ऐसे रख दिया, पहले ये ऐसे रखा था, यानी कि हम लोग यहाँ खड़े होते थे किचन के इधर, तो फ्रिज यहाँ पर इसका डोर खुलता था, तो फ्रिज बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था पीछे से, तो इस वजह से फिर अब हमने फ्रिज को यहाँ रख दिया। और डिस्पेंसर बिल्कुल कोने पे था, तो वहाँ से हटा के डिस्पेंसर यहाँ रख दिया झूले के पास, तो यहाँ से इसको भी हवा लगती रहेगी, विंडो से भी आएगी हवा और ऊपर से भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ डिस्पेंसर रख दिया है और वहाँ पर हमने फ्रिज रख दिया है, तो ये सेटिंग मेरी थोड़ी ठीक हो गई है। इस तरह से करने से ना इसको थोड़ी हवा लग रही है, फ्रिज को ऊपर फैन चलेगा तो इसको यहाँ हवा खुद लगेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान आया है, क्योंकि अभी जो मेरा सामान है ना महीने से पहले एंड हो गया है। आज क्या डेट है? आज है 24 तारीख है ना, हाँ 24 है, तो अभी कितने 6 दिन बाकी हैं, 6-7 दिन या 8 दिन, मतलब 2-3 तारीख को लाती हूँ सौदा, तो वो ख़त्म हो गया था, तो बस ये 6-7 दिन का सामान मैं लेकर आ गई हूँ। थोड़ा बहुत ये भी चावल हैं, चावल ज़्यादा पकते हैं मेरे घर में, चीनी आ गई है और ऑयल आ गया है, ये वाला खुला ऑयल फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, पता नहीं कैसा होगा। शॉप से और भी लेडीज़ परचेस कर रही थी, तो मुझे उन्होंने ही कहा कि ये वाला लेकर देखो, तो फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो जमा, नहीं या जो भी कोई मिस्टेक नहीं हुई इसमें, कोई ख़राबी नहीं हुई, तो फिर मैं और लाऊंगी। और ये सॉप ख़त्म हो गया था, ये भी बस 6 दिन का सामान लेके आ गई है। हस्बैंड का टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, चिकन पाउडर था और सर्फ अभी थोड़ा है और थोड़ा एडवांस में ले आई हूँ, और ये साबुन भी एडवांस में लाई हूँ अभी है वैसे तो, और ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म हो गया था, और नोरस भी बड़ा वाला था तो वो ख़त्म हो गया था, तो बस ख़त्म नहीं हो गया अभी है, तो फिर भी ये एडवांस में ले आई हूँ कि अगर थोड़ा रह गया। और ये पाउडर आप लोग बोलेंगे बच्चे तो बेबी पाउडर लगाते हैं, बेबी पाउडर है बहुत बड़ा वाला है, मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये बेबी पाउडर कितना बड़ा वाला पैक है ना, तो ये वाला बहुत सॉफ्ट है ना, तो बच्चे फेस पर लगाते हैं और वैसे गर्दन वगैरह पे, मेरे मोहम्मद अरहान तो पैरों पे भी लगाते हैं, पता नहीं हाथों पे भी, हर जगह पाउडर मिलते हैं, तो ये वाला लेकर आ गई हूँ एक्स्ट्रा पाउडर, जैसे बच्चे बिगाड़ने के लिए, और वैसे बच्चे ये वाला लगाते हैं, ये बहुत अच्छा पाउडर है, थाईलैंड का है। तो अभी बस ये छोटी मोटी सी मेरी ग्रोसरी है और ये मैंने करी थी, और बाकी का अंचरा यहाँ पर खड़ी हुई है देख रही हैं। और खाने में आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, और बना के हम लोगों ने दोपहर में खा लिए थे और मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी हो रहा है शाम का टाइम और बच्चे ऊपर गए हुए थे टेरेस पर, वहाँ खेल रहे थे वहाँ से आ गए हैं, अभी बुला लिया मैंने, मगरिब का टाइम हो रहा है, तकरीबन अजान होने ही वाली है, तो बस ये अच्छा लेना। ये क्या किया आपने फेस पे? ओ रुको रुको रुको, ये मुंह का क्या असर करा हुआ है आपने? अशलीना का फेस कैसा हो रहा है? फेस वॉश करें, साफ नहीं करें, वॉश करें, जाएं।
एक्वेरियम की अपडेट थोड़ी सी दिखाती हूँ कि एक्वेरियम में बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी शेल्स वगैरह डाल दिए हैं। फ़िश लेने गई थी पर मुझे फ़िश मिली नहीं, शॉप बंद थी। और एक वो ठेला होता है, रेड़ी होती है, क्या होती है, उस पर भी बेचते हैं इस तरह के बड़े बड़े एक्वेरियम रख के, उसमें फ़िश डली हुई होती है, पर वो भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दोपहर के टाइम आए थे, तो बस अब दोपहर के टाइम जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे, वरना तो देखो क्या होता है। ये देखिए मोहम्मद अनान ऊपर से आए पानी पीने। ये कुशन लेकर आए या लेकर जा रहे हैं? आराम से आराम से। क्यों? और ये कुशन कहाँ लेके गए थे आप सारे? अबे मावलाते, इबे मावलाता, ये बिलवाले में। अच्छा, आरान ने कुशन रखे, कुशन से इसकी बोतल में पाँव रखा, फिर यहाँ चढ़े, फिर भी आरान का हैंड ऊपर नहीं गया। और अगर आप गिरते हो डिस्पेंसर को भी साथ लेके गिर जाते, फिर आप मम्मा से मांग लेते, मम्मा मुझे ब्लू वाला गिलास चाहिए, नहीं मांग सकते थे? ये क्या गंद करा है, मांग सकते थे ना आप मम्मी से? अभी हुलिया देखें ऊपर टेरेस पे जाके, ये क्या हाल बनाया इन्होंने, अपने कपड़े देखें इनके, और फेस करीब से दिखाऊं ज़रा, ये देखें कैसे मिट्टी में हो रहा है, इंतहाई गंदे मुन्ने लग रहे हैं मेरे, हैं गंदे मुन्ने लग रहे हैं ना। चलें भाई, ये फैलावा करते हैं बच्चे इतना, मैं आप लोग मुझे देखते होंगे बस पूरा दिन समेटती रहती हूँ, कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ, बहुत मेरे बच्चे गंद फैलाते हैं, मैं आदी हो जाती हूँ और थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा करते हैं कि जो मैंने सोडा मैं लेकर आई हूँ और वो जो जो ख़त्म हो गए थे, खाली हो गए जार, उनको फिल कर लेते हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, बच्चों को ऊपर से नीचे लेके आना है। ये बच्चे ऐसे नीचे नहीं आने वाले, इनको खींच के ज़बरदस्ती नीचे लाना पड़ेगा। तो अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो आप लोग मेरे मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रखें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार बाँटें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।